जीस, कैसी लग रही हूं मैं? देखो, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। सच ये है कि अगर ऐसे कपड़ों में तुम बाहर चलेगी ना, तो मोहल्ले के कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। जीस, व्हाट इज दिस? और ये क्या आपने बोरिंग कपड़े पहने हुए? व्हाइट शर्ट है, अच्छी बढ़िया। अरे ये पहनिए, देखो कितना कूल है ये। राजीव जी, आप ये जैकेट पहनकर जाइए ना पार्टी में। चीज, अच्छा हुआ पापा मम्मी सो गए, अगर पापा मुझे ऐसे देख लेते ना डंडे बजाते। चलो। हेलो जी, ये ममता जी को क्या लगता है कि वो हमारे सीधे साधे राजीव जी को फंसा लेगी? नहीं जी बाबा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओ जी पापा जी, अब आप ही का सहारा है। रे कौन है? अरे टिट्टू के पापा, ध्यान से। एक मिनट, कौन है भाई? कौन है? दरवाजा खोलो, बाहर चलो जल्दी। कौन है? अरे रुक, अब सच में डंडे पड़ेंगे। चोर, वो भी एक नहीं, दो चोर। कहाँ है चोर? जी मम्मी जी पापा जी, ये शायद चोर नहीं है, ये तो शायद ममता जी और राजीव जी है ना। टिट्टू, हाँ जी, अरे ओ जी राजीव जी, जरा घूमिए तो, मुखड़ा तो दिखाइए। हाँ जी, अरे वाह राजीव जी, तुसी तो कमाल लग रहे हो। हाँ जी, रे टिट्टू, पहचान में इको नहीं आ रहा, तो कहीं भेज बना के रखा भाई है, और इतनी रात को कटे जा रहे हो। वाओ पापा, आप तो एकदम कूल डूड लग रहे। वैसे जा कर रहे? हाँ कटे जा रही है सवारी। पापा ममता ने कही के जाना उधर, मैंने कहा किधर जाना है, समझ नहीं आई, तो कह रही जाना है। मैंने कही खुल के बोलेगा, बता कटे जा रहा है। अब वो जीज इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि क्या ममता जी, क्योंकि वो सदमा लग गया है, अब बहुत गहरी चोट आई है। हो गहरी चोट टीटू को? ना, इनके दोस्त को। हाँ जी, अब कॉलेज के दोस्त को। अच्छा, वो तो ठीक है, पर यो इस टाइप के कपड़े? वो आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। किसकी? उनके दोस्त की। एक नंबर की झूठी है, मतलब खड़े खड़े कहानी बना रही है। वो क्या है ना, उनके दोस्त चल बसे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम उनके शोक सभा पर ऐसे कपड़े पहन कर जाएं। अच्छा, विचित्र बात तो है, पर है। अरे टीटू की माँ, भाई इतनी देर हो गई, आज चाय मिलेगी कौन नहीं मिलेगी? ला रही हूँ। पेपर कैसे पढूं मैं? अरे समझ ही को नहीं आ रही। एक मिनट, कौन हो भाई तुम लोग, हैं कटे जा रहे हो? टीटू, अरे टीटू की माँ, देख भाई कौन आया ये, हैं? नमस्ते, अरे कौन हो ये तो बता के जाओ। अरे अरे नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? ये सब सामान किस लिए? जी ये शगुन है, त्रिशला और लक्ष्य के शादी के लिए। हाँ जी, शादी तो हम बच्चों की अगले साल करने वाले हैं ना, तो शगुन इतनी जल्दी क्यों? अब क्या करें,
हमें लगता है कि भगवान को यही मंजूर है कि त्रिशला हमारे घर की बहू जल्द से जल्द बन के आ जाए। अब देखिए ना, लक्ष्य का यूएस जाना कैंसिल हो गया, तो हमने सोचा कि एक साल के लिए वेट क्यों करना। और फिर त्रिशला भी तो जा रही है ना अहमदाबाद 6 महीने के लिए, तो सोचा उसके जाने से पहले ही ये शादी कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकल रहा है, 100 साल बाद का। अरे पर इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकेंगे भाई? आई एम रियली सरप्राइज्ड, यू नो, मुझे लगा कि शादी 1 साल बाद नहीं 1 साल पहले होने वाली है। ये बात सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। पता को नहीं था ना कि बच्चे की शादी की बात एकदम अचानक से हो जाएगी, इसलिए बस। वैसे आप इस घर के सबसे बड़े हैं, आप ही बताइए ना, शादी 1 साल बाद बिना किसी वजह से टाली जाए, क्या वो सही होगा? हाँ नहीं, मतलब आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, वैसे भी शुभ कार्य में देर को नहीं करनी चाहिए, हैं? हाँ। टीटू बाबा, त्रिशु के जीवन का बहुत बड़ा फैसला है, तो त्रिशु से बात करे बिना मैं ये फैसला ले नहीं पाऊंगा। ऑफ कोर्स, लेना भी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल त्रिशला से अभी के अभी बात कर लीजिए। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं राजीव जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, आप बात कर लीजिए ना त्रिशु से। नहीं, आप भी आइए ना। दर्जी जी, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, त्रिशु की मम्मी का दर्जा आज भी आपका है जी। शादी से खुश है ना तू बेटा? हैं जी पापा। बेटा फिर ऐसे रो क्यों रही है? तेरी आंखों में वो खुशी की चमक ही नहीं है, और मैं महसूस कर रहा हूं तेरे लक्ष्य के बीच में कोई टेंशन है, क्यों रो रही है, क्या बात है बताना। त्रिशु बच्चा ऐसे रोते नहीं है, कुछ हुआ है क्या, तुम बताओ ना हमें। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हें ये शादी अभी नहीं करनी है ना, तो कोई गल नहीं है जी, तुम बस बताओ, क्योंकि हम लोग ना वही करेंगे बच्चा जिसमें तुम्हारी खुशी है जी। एक गलपुच्छा। हाँ आजा आजा। इतने सारे स्वीट्स और इतने सारे फ्रूट्स और इतने सारे गिफ्ट, आज किसी का बर्थडे है क्या? नहीं, लेकिन एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि हमारी त्रिशु की शादी होने वाली है। हाँ, वो हम सबको पता है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।